गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू किया है, उस पे डेप्रिसिएशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेप्रिसिएशन के कुछ रीजंस डिस्कस किए हैं। तो राजे आज हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन लगाते टाइम कुछ बेसिक फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे आज का टॉपिक है बेसिक फैक्टर। आज का अपना टॉपिक है बेसिक फैक्टर। बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग, बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी डेप्रिसिएशन का अमाउंट इफेक्टेड होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजे मेरे पास पहला पॉइंट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट, तो राजे उसमें बात क्या है कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, ठीक है जी, आप कोई एसेट खरीदते हो तो आपको उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो आपको इंस्टॉलेशन की कॉस्ट पड़ सकती है, लोडिंग चार्जेस पड़ सकते हैं, अनलोडिंग चार्जेस पड़ सकते हैं, इन सबको आपने एसेट की कॉस्ट में एड करना है। आपको इंश्योरेंस भी पड़ सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी पड़ सकती है, इन सब खर्चों को ऐड करके जो एग्रीगेट कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी ज्यादा आएगा, और अगर आपकी ये कॉस्ट कम है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो सेकंड है हमारे पास एस्टीमेटेड लाइफ, एस्टीमेटेड लाइफ। कोई भी एसेट्स है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी इफेक्ट करती है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को। आपकी ये जो एसेट है, ठीक है, उसका लाइफ टाइम कितना है, आपकी एसेट्स का लाइफ टाइम कितना है, उसकी वर्किंग टाइम कितना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसी के बेस पे जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो इफेक्टेड होती है। अब किसी भी एसेट्स की जो लाइफ है वो बेसिकली मंथ में भी कैलकुलेट हो सकती है, ईयर्स में भी कैलकुलेट हो सकती है, आवर्स में, डेज में, आउटपुट में, ठीक है जी, और किलोमीटर में भी फाइंड की जा सकती है। तो एस्टिमेटेड लाइफ भी हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इफेक्ट करती है, ठीक है जी। और जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है साल्वेज, सॉल्वेज और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, किसी भी एसेट्स को अगर आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो लाइफ टाइम खत्म होने के बाद जो एसेट्स की लास्ट में वैल्यू बचेगी वो होती है सेल्वेज वैल्यू, ठीक है जी। सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू वो वैल्यू है जितने अमाउंट में वो एसेट्स जब पूरी तरह यूज होकर डेड हो जाएगी तो जिस अमाउंट में वो बिकी उसे बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है उसमें से सेल्वेज और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तभी आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल पाओगे। तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है उसमें से सेल्वेज वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है हमारे पास प्रोविजन, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
मशीन है, एसेट है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, रिपेयर कर रहे हो। अगर आप एसेट को अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा, जिससे आपकी एसेट जो है बढ़िया कंडीशन में रहेगी। और अगर आपकी कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन में है आपकी एसेट, तो उसकी लाइफ भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमारी डेप्रिसिएशन के अमाउंट में भी इफेक्ट होगा, ठीक है जी। इसलिए जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालें तो रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एब्सोल्जेंस। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ एब्सोल्जेंस, अब होता क्या है कि आपकी एसेट जो है उसकी वैल्यू नील हो जाती है, क्योंकि उसकी आउटपुट उतनी ज्यादा नहीं है, मार्केट में कुछ नई एसेट आ गई है, तो नई एसेट आने से पुरानी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है जी। तो अगर आपकी पुरानी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी इससे इफेक्टेड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सिक्स पॉइंट जो है वो है लीगल प्रोविजन। सिक्स पॉइंट है मेरे पास लीगल प्रोविजन। अब लीगल प्रोविजन में क्या है कि अगर डेप्रिसिएशन जो आपने एसेट पे लगानी है उसके ऊपर कोई लीगल प्रोविजन लगी हुई है कि 5% लगानी है या 10% लगानी है, या 10% से ज्यादा नहीं लगा सकते, मिनिमम 10% लगा सकते हो, तो जैसे हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है जी, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने जो परसेंटेज फिक्स की हुई है उसी अकॉर्डिंगली हमें डेफिनेशन लगानी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि लीगल प्रोविजंस किस तरह की है। इसके बाद है एडिशंस टू एसेट्स। इसके बाद मेरे पास पॉइंट है 7, 7 पॉइंट है मेरे पास एडिशन टू एसेट्स। एडिशन टू एसेट्स, एडिशन टू एसेट्स, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एसेट्स है और आप एसेट को यूज कर रहे हो और कोई नई एसेट उसके साथ आप एडिशनली ऐड कर रहे हो, तो जिस डेट को आपने एक नई एसेट उसके साथ ऐड की है उसी डेट से उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगानी जरूरी है। तो अगर आप टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो जिस तरीके से आप एसेट लगा रहे हो, जो एसेट खरीदी है ऑलरेडी जो आपके पास पहले थी उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे, और अगर एसेट में कोई नई एडिशन की है तो उसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगी उस डेट से जिस डेट को आपने एडिशन की है, ठीक है जी। जो एसेट आपके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी साल के शुरू से, और जो एडिशन आपने खरीदी है एसेट्स वो जिस डेट से खरीदी है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है जी। अब कुछ हम नए टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे, कुछ ऐसे नए वर्ड जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम सीखेंगे, राइट। अब अपन अगला टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक में क्या है कि कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। So, depreciation and related concepts, depreciation and related concepts। तो हमारे पास पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ड है, that is the depreciation। इस वर्ड को आपको समझना जरूरी है, राइट। डेफिनेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ एन अवेलेबल, रिमूवल ऑफ एन अवेलेबल। अगर हमारे पास लैंड है और हमने उसमें माइन लगा,
सेल से निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे मटेरियल लैंड से बाहर आता जाएगा उस लैंड की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के केस में आपको डेप्लिशन वर्ड समझना है कि डेप्लिशन के कारण भी डेप्रिसिएशन हमारी एसेट्स पे लगती है। एक नया वर्ड जो आपको समझना है दैट इज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, ये अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन को आप कह सकते हो राइटिंग ऑफ करना। राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक्सपेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। सो अगर आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे आपके पास गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, हर साल आप ऐसी इंटेंजिबल एसेट में से उस पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डालते हो एक्सपेंस बना के, जितना आपने उस पर्टिकुलर एसेट्स का बेनिफिट उठा लिया होता है। अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट 10 सालों के लिए खरीदी हुई है 1 लाख रुपए की और हर साल आप 10,000 रुपए की उसे यूज कर लेते हो, तो आपको उतनी जितनी आपने यूज कर ली एसेट उसको पीएनएल में डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस बना के शो करना पड़ता है। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि इंटेंजिबल एसेट के उस पोर्शन को अलग कर देना जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो जितना आप अमोर्टाइज कर लोगे उतना डेप्रिसिएशन का अमाउंट माना जाएगा। और इसके बाद थर्ड टर्म हमारे लिए होती है, दैट इज डाई लैपिडेशन। डाई लैपिडेशन इसका मतलब है कि बिल्डिंग या किसी प्रॉपर्टी में डैमेज का होना। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है या किसी को आपने लीज भी दी हुई है, तो आप प्रॉपर्टी टीनेंट से जब वापस लोगे तो वो उसी कंडीशन में होनी चाहिए जिस कंडीशन में पहली थी। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी में कोई डैमेज होता है तो राजे उसको डेप्रिसिएशन कंसीडर किया जाएगा। आप जितना डैमेज एस्टिमेट कर रहे हो हर साल हो सकता है उतने की आप अपनी बुक्स में अरेंजमेंट करते हो प्रोविजन लगा के। आपको प्रॉपर्टी का नाम डेबिट करना पड़ता है और ये जो प्रोविजन होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उसको आपने क्रिएट करना होता है, ठीक है जी। तो आप हर साल डेप्रिसिएशन की अरेंजमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू द डाई लैपिडेशन। उसके बाद एब्सोल्यूशंस, अब नई इन्वेंशन होने से एसेट्स की पुरानी एसेट्स हमारे लिए यूजेबल नहीं रहती। कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है तो जो टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कम बेनिफिशियल वाली होती है, या जो एसेट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन कम होता है, जो नई मार्केट में एसेट आई उससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इन वजह से हमारी एसेट जो है आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। तो इसलिए उस एसेट जो पुरानी हो गई है, ठीक है, एब्सोल्यूशंस की वजह से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगने लग जाती है, ठीक है जी। तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है जिससे हमारी डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना आसान हो जाता है। तो इस रीजन से भी एब्सोल्यूशंस वर्ड भी डेप्रिसिएशन में यूज होता है। जब आप पुरानी मशीन को उतना यूज नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो गई है, क्योंकि उस तरह की नई मशीन मार्केट में आ गई है जिसका कैपेसिटी, जिसका आउटपुट ज्यादा है, तो पुरानी मशीन की वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। जितनी वैल्यू डाउन हो गई है उतनी वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हैं। तो डेप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और डाई लैपिडेशन और एब्सोल्यूशंस, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि यूज होते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो इन चारों को आपने अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है। आगे रहते हैं तो बात करेंगे कि फ्लक्चुएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमारे पास टॉपिक है
फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन एंड डेप्रिसिएशन, फ्लक्चुएशन एंड डेप्रिसिएशन। हमने इन दोनों को सेम नहीं कंसीडर करना। फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि हमारी फिक्स एसेट के प्राइसेस में अप एंड डाउन जाते हैं, तो फ्लक्चुएशन का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है जी। इसलिए और दूसरी तरफ जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी एसेट की उस ओरिजिनल कॉस्ट से लिंक रखती है जितने की हमने एसेट्स खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन का लिंक जो है वो हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट से होगा और हमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगानी है, हमें फ्लक्चुएशंस को कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब अपन ये डिस्कस करेंगे कि जब आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखें। अब आपने देखना है कि जब आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो पहले हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट होती क्या है? अरे ओरिजिनल कॉस्ट में एक तो किसी एसेट का इनवॉइस प्राइस इंक्लूड है जितनी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उसके बाद इसमें से अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिली है तो वो लेस कर देनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर आपने लोन लेकर कोई एसेट खरीदी है और आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो जो इंटरेस्ट है उसको भी इसकी कॉस्ट में एड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट इसका पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट का पता होना चाहिए। अगर आप लोन पे एसेट खरीदे हो, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस इंटरेस्ट को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आप जितने की एसेट खरीद रहे हो और अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रही है तो उसको इनवॉइस प्राइस में से लेस करना जरूरी है, तभी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट निकलेगी। उसके बाद है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो एक चीज और, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब आपकी एसेट का लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो एसेट कितने की बाजार में बिकेगी, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। तो आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना जरूरी है, ठीक है जी, तभी आप सही डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को लेस करके और नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करके हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते हैं, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ टाइम। तो आपकी जो एसेट है वो कितने इयर्स तक चल सकती है, कितने मंथ तक चल सकती है, कितने आवर्स तक चल सकती है, कितनी आउटपुट वो निकाल सकती है, ठीक है जी। अगर आप टैक्सी और ट्रक की बात करें तो हम इसकी लाइफ को किलोमीटर में निकालेंगे कि कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ टाइम का पता होना चाहिए, तभी आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे। और दूसरी चीज आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब आप एक डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की पता होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है, और स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जो पर्टिकुलर एसेट का लाइफ टाइम है उससे रहते आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तभी आप उस एसेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे। मान लीजिए आपकी किसी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 10,000, और स्क्रैप वैल्यू बनती है 10,000, और वो जो एसेट है वो 10 साल तक चलेगी, तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करके देखो तो आपका इधर अमाउंट आ जाएगा और इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 10,000। 1,10,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, एस्टीमेटेड लाइफ टाइम 10 ईयर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर साल आपकी एसेट के ऊपर लगने वाली डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आती है, 10,000। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज आपने देखा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखे जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, और आपने ऐसे कुछ बेसिक फैक्टर ध्यान में रखे जो कि डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। आपने फ्लक्चुएशन और साथ में डेप्रिसिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी सीखा है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन ओरिजिनली कैसे निकाली जाती है और इसका अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे जनरल एंट्रियां की जाती हैं, कैसे लेजर्स किए जाते हैं, और इसको इस डेप्रिसिएशन को निकालने के नंबर ऑफ मेथड्स कितने हैं और कितने मेथड आपकी क्लास में आपको करवाने हैं। मोस्ट फेमस मेथड्स दो ही हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, और वैसे डेप्रिसिएशन निकालने के कई मेथड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको आप अच्छे तरीके से वॉच करें, और जो भी टॉपिक आपको करवाए गए हैं पहले उनको आप नोट्सों में कन्वर्ट करेंगे, एक कॉपी में फेयर एंड नीट इसको आप लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें, वीडियो को एक दो बार वॉच करें, उसके बाद उसके नोट्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही।